नमस्कार, मैं हूं नीरज। द गिविंग हेडलाइंस पर आपका स्वागत है। बांग्ला फिल्म एक्ट्रेस रिमझिम मित्रा ने बीजेपी को दिया झटका। टीएमसी में हुई शामिल बांग्ला फिल्म एक्ट्रेस रिमझिम मित्रा ने बीजेपी से नाता तोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। रिमझिम मित्रा रविवार को राजभवन के सामने टीएमसी के धरना मंच पर हाजिर हुई और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिमझिम मित्रा विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। बांग्ला फिल्म अभिनेत्री रिमझिम मित्रा रविवार को तृणमूल कांग्रेस के मंच पर नजर आईं। अभिनेत्री रिमझिम 2018 चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन अभी 3 साल भी नहीं बीते कि बीजेपी से नाता तोड़कर इस बार वह तृणमूल के मंच पर हाजिर हुई। साल 2021 विधानसभा चुनावों के दौरान टॉलीवुड की कई हस्तियां बीजेपी में शामिल हुई थीं। उस सूची में रिमझिम, कंचना, रूपा, अनिंद्य पुलक, परणो मित्रा, रूपंजना मित्रा थीं। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को पराजय मिली थी और टीएमसी तीसरी बार राज्य में सत्ता में आई थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन फिल्मी हस्तियों को टिकट दिया था, उनमें से ज्यादातर हार गए थे। इनमें से कई हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के मंच पर नजर आ रहे हैं। रिमझिम इस लिस्ट में नया चेहरा है। तृणमूल कांग्रेस मनरेगा के 100 दिन के पैसे की मांग को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठी है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी 4 दिनों से इस धरना मंच पर हैं। रविवार दोपहर रिमझिम को उस मंच पर देखा गया। तृणमूल नेता देवांशु भट्टाचार्य ने उनका परिचय देते हुए कहा कि जो पहले बीजेपी के साथ थीं और अब वह अभिषेक बनर्जी के साथ आ रही हैं। रिमझिम ने कहा, मैं आज यह सोचकर नहीं आई हूं कि मैं किसी राजनीतिक मंच पर आ रही हूं। मुझे लगता है कि आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हों, आपको उन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो गरीबों का पैसा रोकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी आपको इंसान नहीं समझेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझमें कुछ मानवता है। मेरी अंतरात्मा मुझे इस मुकाम तक ले आई है। तो क्या रिमझिम ने छोड़ दी बीजेपी? रिमझिम ने खुद कहा, क्या बीजेपी को खुद पता है कि उनके साथ कौन है? जब मैंने उस पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम किया तो मैंने सुना कि आप पार्टी में हैं। अगर कोई सम्मान नहीं है, अगर कोई जगह नहीं है, तो मैं किसके लिए काम कर रही हूं? इस दिन रिमझिम ने दावा किया कि बीजेपी कभी भी गरीब लोगों तक पैसा पहुंचा में सक्षम नहीं दिखती है। रिमझिम का दावा है कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं पहचान पा रही है। समझ नहीं आ रहा कि बंगाल में किसके नेतृत्व में काम करेंगे। रिमझिम के शब्दों में, क्या आप दिलीप बाबू, शुभेंदु बाबू या सुकांत बाबू शब्दों पर अमल करेंगे? पहले बंगाल बीजेपी को उस घोटाले को दूर करने दीजिए। रिमझिम ने यह भी कहा कि बीजेपी राजनीति को बढ़ावा देने के बजाय व्यक्तिगत हमलों में अधिक सहज है। बीजेपी व्यक्तिगत हमलों के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर रही है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे करना बीजेपी के लिए कितना बड़ा जोखिम, ऐसी चर्चाएं तो पहले से तेज थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 जनसभाओं में मानो उन पर मुहर लगा दी। वह जिस खुली जीप पर सवार होकर आए, उनके साथ सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी थे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश की प्रभावशाली नेता वसुंधरा राजे नहीं थीं। मंच का संचालन सांसद दिया कुमारी कर रही थीं। मंच पर प्रदेश भाजपा की कई महिला नेताएं भी मौजूद थीं। दिया कुमारी को संघनिष्ठ नेताओं का अप्रत्याशित समर्थन भी पार्टी के पुराने पहरेदारों को चौंका रहा है। प्रधानमंत्री ने जयपुर की सभा में न तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र किया और न ही उनके नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियों का। राजस्थान में चेहरा विहीन भाजपा की इस स्थिति को लेकर चर्चाएं छिड़ गई हैं। भाजपा ने नई संसद के पहले ही सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक को दोनों सदनों में पारित करवाया है। ऐसे समय में प्रदेश की एक ताकतवर महिला नेता अगर अग्रणी भूमिका में नहीं दिख रही हैं, तो जाहिर है लोगों का ध्यान उस पर जाएगा ही। हैरान करने वाली बात यह है कि एक अनुभवी नेता की तरह वे अपने गुस्से और मनोभावों को लगातार पी रही हैं। उन्होंने अब तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर नहीं दी है, जिसकी उम्मीद उनसे बहुत से राजनीतिक खेमे लगाए हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में करीब 10 साल पहले अपने एक प्रतिद्वंद्वी को दी अशोक गहलोत की एक नसीहत को याद करें। जो नेता इस प्रदेश में जहर पीना सीख जाता है, वह कामयाब हो जाता है, और जो नहीं पी सकता, वह दरकिनार हो जाता है। कुछ लोग मान रहे हैं कि वसुंधरा इस समय गहलोत की पुरानी सलाह पर अमल कर रही हैं। वसुंधरा 2003 से लगातार हर 5 साल बाद अपनी प्रभावशाली यात्राएं प्रदेश भर में निकालती रहीं। यह पहला मौका है।
जब उनके नेतृत्व में यात्रा नहीं निकली और चार दिशाओं और चार इलाकों में अलग अलग यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में पार्टी ने निकाली। एक मौका तो ऐसा था जब आज के असम के राज्यपाल और तब वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंद्वी गुलाब चंद कटारिया ने मेवाद में अलग से यात्रा निकालनी चाही थी तो उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे कयासों को दरकिनार करते हुए सोमवार को चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ में हुई सभा में साफ कहा, इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है और वह कमल, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है, इसलिए एकजुटता के साथ कमल को जिताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता काम करें। प्रदेश के इस मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब प्रश्न उठ खड़ीढ़ा हुआ है कि भाजपा ने राज्य में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया है, इसके पीछे क्या वजह है। और भी कई प्रश्न इससे जुड़ गए हैं, क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वसुंधरा राजे की उपेक्षा क्यों हो रही है, क्या ये स्थिति भाजपा के पक्ष में जाएगी, क्या इस स्थिति का भाजपा को नुकसान हो सकता है। हमने इन प्रश्नों के जवाब तलाश करने की कोशिश आम मतदाताओं और कुछ सजग प्रेक्षकों से बातचीत करके की। राजस्थान के चुनावी समर को लेकर हम जब भाजपा और संघ के पुराने नेताओं से बातचीत करते हैं तो एक नया सार यह निकल कर आ रहा है कि अब बाकी प्रदेशों की तरह भाजपा का चेहरा तो बदला ही जा रहा है, उसकी चाल भी बदली जा रही है, राजस्थान में तो पार्टी का चरित्र भी बदलने की तैयारी में है। किसी दौर में राज्य के कद्दावर नेता और भाजपा के संस्थापक सदस्य भैरव सिंह शेखावत ने एक बातचीत में 2008 के चुनाव से ठीक पहले मुझसे कहा था, यह भाजपा सामान्य भाजपा नहीं, मेरी बनाई भाजपा है और इसमें मैंने राजस्थान के 36 राजनीतिक दलों को एक एक करके मिलाया है। शेखावत ने तब अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कृषिकार लोक पार्टी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, लोकदल जैसे कितने ही दलों को राजस्थान भाजपा में मिलाने की जुगत की थी, लेकिन शेखावत जैसे ही दिल्ली गए और उपराष्ट्रपति बने तो राजस्थान भाजपा की कमान प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वसुंधरा राजे को सौंपी गई थी। वसुंधरा राजे को 2003 के चुनाव में मिली कामयाबी का ऐसा असर हुआ कि भाजपा में शेखावत और जसवंत सिंह सहित विभिन्न बडाढ़े नेताओं के अधिकतर सिपह सालार राजे के साथ आ जुटे। बडाढ़े नेता हाशिए पर खिसकते गए और वसुंधरा राजस्थान भाजपा में एक नया उल्लास लेकर आईं। साल 2008 में चुनाव हुए तो संघनिष्ठ नेताओं ने वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में चले गए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि वसुंधरा का करिश्मा और बाआंच गया और वे 2013 में 200 सीटों वाली विधानसभा में 163 सीटें लेकर आईं। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार शुरू से कुछ संदेह जताए जा रहे थे कि संभवतः वसुंधरा को चुनाव में चेहरा घोषित नहीं किया जाए, लेकिन भाजपा की चारों राजनीतिक यात्राएं जहां जहां गईं, वहां वहां वसुंधरा की गैर मौजूदगी के कारण उल्लास की कमी लोगों ने महसूस की। प्रेक्षकों का मानना है कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बाद भाजपा अब एक और पीढ़ी के परिवर्तन वाले दौर में है। संघ और भाजपा के नेता अब पार्टी को एक नए चरित्र में ढालने तो जा ही रहे हैं, पार्टी संगठन में वे जनरेशन शिफ्ट भी कर रहे हैं। एक प्रमुख संघनिष्ठ भाजपा नेता का कहना है, मोदी देश भर में अमृतकाल की टीम तैयार कर रहे हैं जो 2047 में पार्टी को अभूतपूर्व कामयाबी के दौर में ले जाए, और आज जो चेहरे तय हो रहे हैं वे अगले 25 साल के लिए होंगे, इसलिए अभी और बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। संघ के पुराने नेता और भाजपा में कई राजनीतिक पीढ़ियों का उतार चढ़ाव देख चुके कन्हैयालाल चतुर्वेदी कहते हैं, देश हो या प्रदेश, अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, नए लोग आने ही चाहिए, नए तभी आएंगे जब पुराने अपने अनुभवों से और नए अपने काम से संगठन को मजबूत बनाएंगे, MLA हो या MP, 3 बार से अधिक मौका नहीं दिया जाना चाहिए, तभी तो युवा आगे आएंगे। चतुर्वेदी ने संघ की प्रसिद्ध पत्रिका पाठेय कण का लंबे समय तक संपादन किया है। वे बताते हैं, संघ में भी अब नई पीढ़ी आ चुकी है, नए लोग तेजी से आ रहे हैं, हमारे यहां अब अधिकतर प्रचारक 50 साल से कम उम्र के हैं। प्रदेश में चुनावी समर की घोषणा में जब कुछ ही दिन शेष हैं, चर्चाओं का एक अलग ही दौर बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जनसभाओं में जब सरकार के लौटने के दावे करते थे तो कांग्रेस के विधायकों का मानना था कि कांग्रेस सत्ता में लौट तो सकती है, बशर्ते पायलट और गहलोत एक हो जाएं। अब पायलट और गहलोत एक तो नहीं हुए, लेकिन कम से कम दोनों के बीच कटुता खुले में नहीं दिख रही है।
और पार्टी के लिए दोनों जमकर दौरे कर रहे हैं। प्रदेश में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा वाले हिसाब से देखा जाए तो इस बार सत्ता में आने की बारी भाजपा की थी। ऐसे में भाजपा आला कमान ने वसुंधरा जैसी ताकतवर नेता को इस अभियान का नेतृत्व क्यों नहीं सौंपा और यह जोखिम क्यों लिया? बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव बताते हैं, पिछले 25-30 साल में जो हमेशा की तरह स्थिति लगती थी और लगता था कि बीजेपी की सरकार जोरदार ढंग से आ जाएगी, इस बार ऐसा नहीं लगता कि एकतरफा चुनाव हो रहा है। परिणाम जो भी आए, लेकिन सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पहली बार टक्कर में दिख रही है। वे बताते हैं, कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से जीत कर आती थी और भाजपा धमाके के साथ इस बार यह चुनाव संघर्ष वाला लग रहा है। इसका एक पहलू यह है कि विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरों का भी महत्व हो जाता है। मोदी बनाम गहलोत में भाजपा के स्थानीय चेहरे का अभाव लोगों को खल सकता है। प्रदेश में अब सवाल उठ रहा है कि भाजपा से गहलोत के सामने कौन है। संजीव श्रीवास्तव कहते हैं, कोई चेहरा घोषित नहीं होने से यह धारणा बन रही है कि वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया है। इस स्थिति का नुकसान होगा या फायदा, यह तो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन अभी तो यही चर्चा है। इस समय भाजपा का आला कमान बहुत ताकतवर है और एक ताकतवर नेतृत्व अपनी पसंद और नापसंद के नेताओं में अंतर करता है, भले ऐसा नेतृत्व भाजपा का हो या कांग्रेस का। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने से राजस्थान में दूसरी तरह के हालात हैं और भाजपा का नेतृत्व मजबूत होने से अलग तरह की परिस्थितियां बन गई हैं। प्रेक्षक यह भी मानते हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिस समय कमजोर था, तब क्षत्रपों के तेवर अलग थे और उनकी हुंकारों से आलाकमान के महलों की नींव हिलती थी, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व असाधारण रूप से शक्तिशाली है तो वहीं क्षत्रप सत्ता के रथ का घर घर नाद सुनकर चुप्पी साधे हैं। सत्ता, शक्ति और राजनेताओं का यह रवैया इसी तरह का रहता है, पार्टी भले कोई हो। संजीव श्रीवास्तव मानते हैं, आमतौर पर देखा जाए तो राजस्थान में बहुत लोग तो वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का नेता मानते हैं। इस लिहाज से उनके समर्थकों की भी उपेक्षा हुई तो नुकसान की आशंका है। ताजा संकेतों के अनुसार भाजपा आलाकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को राजस्थान भेजकर प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ राथन बैठकें करवाई हैं और चुनावों के ऐलान से पूर्व हर कोण से स्थितियों को काबू किया है। वसुंधरा राजे और भाजपा नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित हो जाने का सबसे बड़ाढ़ा संकेत यह है कि पार्टी से अलग हो चुके कई ताकतवर नेताओं की पार्टी में वापसी होने के संकेत मिले हैं। ये सब नेता वसुंधरा राजे के करीबी थे। इनमें से देवी सिंह भाटी गुरुवार को पार्टी में शामिल हो गए। सूत्रों के अनुसार भाटी की पार्टी में वापसी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के विरोध को लेकर अटकी हुई थी। अब दोनों में सुलह के समाचार हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि इसका मतलब साफ है कि भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे के समर्थकों के प्रति सजग और संवेदनशील है। अब वसुंधरा राजे समर्थक रणधीर सिंह भींडर को लेकर भी संकेत हैं कि वे जल्द पार्टी में आ जाएंगे। भींडर के लिए बड्ढी रुकवाट गुलाबचंद कटारिया थे, जिन्हें असम का राज्यपाल बनाया जा चुका है। भींडर कहते हैं, संदेश अभी आया नहीं है, आएगा तो चले जाएंगे। राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे थे कि वसुंधरा राजे नाराज हुई तो भाटी जैसे नेता या तो कांग्रेस में जाएंगे या फिर भाजपा विरोधियों को समर्थन देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा है। वसुंधरा राजे को इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने के मामले में पिछले कई चुनावों में प्रदेश भाजपा के रणनीतिकारों में एक रहे कैलाश नाथ भट्ट मानते हैं। राजस्थान में पार्टी की प्रमुख नेता वसुंधरा राजे ही हैं और जिस सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो विधानसभा का चुनाव एलडी डहता हो और अपनी सीट पर जाए बिना प्रदेश की 100 सीटों पर प्रचार कर सके। 100 तो क्या, 20-30 सीटों पर भी यह क्षमता सिर्फ वसुंधरा राजे में है। भट्ट कहते हैं, वसुंधरा राजे की उपेक्षा पार्टी को भारी पड़ी सकती है। यह केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया है और देवी सिंह भाटी का पार्टी में आना इस बात का प्रमाण है। भट्ट के अनुसार वसुंधरा को सीएम फेस बनाया जाता तो वे मोदी के साथ मिलकर प्रदेश में वे पूरी फिजा बदल देती। वे यह भी मानते हैं, भाजपा में यह वसुंधरा की उपेक्षा के बजाय संघ की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके माध्यम से वह देश और प्रदेशों में सियासत का मौसम बदलने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात आदि सहित विभिन्न राज्यों में इसी तरह किया गया है
मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा सामने नहीं किया गया। भट्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री रमण सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज एस नह चौहान भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो आज वसुंधरा राजे के सामने हैं। यह सवाल कि भाजपा ने राज्य में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक और प्रदेश की सियासत के पुराने जानकार प्रो अरुण चतुर्वेदी बताते हैं, प्रादेशिक क्षत्रपों की जगह भाजपा अब केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही भाजपा का चेहरा बनाने में लगी है। लेकिन कर्नाटक सहित कई राज्यों में यह प्रयोग विफल हुआ है और स्थानीय क्षत्रपों की उपेक्षा पार्टी को भारी पड़ी ढी है। प्रो चतुर्वेदी मानते हैं कि वसुंधरा राजे अगर वाकई नाराज होती हैं और पार्टी उन्हें साथ नहीं ले पाती है तो इसका नुकसान होने की आशंका है। अभी पार्टी के प्रमुख दलित नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी नाराज हैं और पार्टी उन्हें निलंबित कर चुकी है। चतुर्वेदी के अनुसार मेघवाल वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं और 2008 में भाजपा की हार के समय मेघवाल ने यशवंत सिन्हा समिति से कहा था कि मैंने मेवाड़ा हरवाया है। मेघवाल अब भी 5-7 सीटों पर तो उलट फेर कर ही सकते हैं। क्या यह वसुंधरा राजे की उपेक्षा है या मामला कुछ और है? इस प्रश्न पर प्रेक्षक मानते हैं कि यह क्षेत्रीय क्षत्रपों को हटाने के ट्रेंड है। ऐसा कई राज्यों में किया जा चुका है, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा वगैरह इसके उदाहरण हैं। राज्य की राजनीति में अगला दौर तब देखने को मिलेगा जब टिकटों का बंटवारा होगा। उससे यह समझने में मदद मिलेगी वसुंधरा की कितनी चल रही है या नहीं चल रही है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार क्या नियंत्रण के नाम पर हड़प रही है मंदिरों का खजाना। फैक्ट चेक, हाल ही में तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया कि वो राज्य के तमाम मंदिरों पर कब्जा करके बैठी है। भाषण में प्रधानमंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है। तेलंगाना में चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रधानमंत्री का तमिलनाडु के बारे में बोलना कई लोगों को हैरान कर रहा है। निजामाबाद की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा, दक्षिण में खासकर तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में ले रही है, मंदिर की संपत्तियों को साजिश के तहत जब्त किया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों से कह सकती है कि ये हालात बदले जाएं? क्या अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को लोगों के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे हिंदू संगठन लंबे समय से ये मुद्दा उठाते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भी हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटी एंडाउमेंट बोर्ड, हिंदू धर्मार्थ और चैरिटी बंदोबस्त बोर्ड के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराता रहा है। ये वो संगठन है जो तमिलनाडु के मंदिरों के प्रबंधन की निगरानी करता है। RSS प्रमुख मोहन भागवत भी इस बात की वकालत करते रहे हैं कि मंदिरों को सरकार के कब्जे से छुड़ाना चाहिए। साल 2021 में विजयादशमी पर मोहन भागवत ने कहा था, दक्षिण भारतीय राज्यों के अधिकांश मंदिर सरकारी निगरानी में हैं, उन्हें इससे स्वतंत्र कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव HRaja और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव ने भी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की बात कही। लेकिन 2021 में DMK के राज्य की सत्ता में आने के बाद से इस बहस में थोड़ी कमी आई। DMK ने दावा किया कि राज्य सरकार की निगरानी में सभी मंदिरों का प्रबंधन सुचारू रूप से चल रहा है, साथ ही हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में सरकार ने सभी जातियों के पुजारी नियुक्त करने की पहल की। हाल ही में सरकार द्वारा संचालित वेदा ट्रेनिंग सेंटर से 3 महिला पुजारियों ने अपनी शिक्षा भी पूरी की। प्रधानमंत्री के आरोपों और मंदिरों को लेकर उनके दावे को समझने से पहले ये जानते हैं कि तमिलनाडु में हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट बना क्यों? ये कानून आजादी से पहले का है। तब कई हिंदुओं ने आरोप लगाया था कि मंदिरों की संपत्ति को प्रभावशाली लोग लूट रहे हैं और सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकार मंदिरों का पैसा अपनी इच्छानुसार खर्च नहीं कर सकती। मंदिरों की आमदनी संबंधित देवताओं के नाम पर बैंक में जमा की जाती है। पैसा कैसे खर्च किया जाए, इसे लेकर भी नियम बहुत विस्तार से और साफ साफ बताए गए हैं। सबसे पहले पैसा मंदिर के प्रशासनिक खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो पैसा बचता है उसका क्या इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं।
बड़े मंदिरों के दान पात्र में जमा पैसे से छोटे मंदिरों की मरम्मत और रखरखाव किया जा सकता है। इस पैसे को गरीबों को खाना खिलाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई मंदिर अपने पैसों से शैक्षणिक संस्थान भी चलाते हैं। इन पैसों से आम लोगों के लिए अस्पताल भी खोले जा सकते हैं। कानून के एक प्रावधान के मुताबिक कुष्ठ रोगियों की देखभाल और वृद्धाश्रम चलाने में भी मंदिरों का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के पूर्व अधिकारी सी जयारमण कहते हैं कि मंदिरों की जमीन या श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर को दान की गई राशि सरकार ले ही नहीं सकती। जयारमण कहते हैं, मंदिरों के खजाने से रुपये लेने के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। ये आरोप आधारहीन है, क्योंकि सच्चाई यह है कि श्रद्धालुओं का चढ़ाया हुआ रुपया पैसा सबकी मौजूदगी में गिना जाता है। इसके बाद गिनी हुई रकम को मंदिरों के बैंक खाते में जमा कराया जाता है। आजकल तो बैंक अधिकारी खुद ही मंदिर आते हैं और पैसे लेकर सीधे मंदिर के खाते में जमा करते हैं। जयारमण के मुताबिक, सरकार भले ही आम नागरिकों की जमीन का अधिग्रहण कर ले, लेकिन वो मंदिरों की जमीन नहीं ले सकती। अगर सरकार मंदिर की जमीन का इस्तेमाल किसी जनकल्याण कार्य के लिए करना चाहती है, तो इसके लिए उसे मंदिर ट्रस्ट और सदस्यों की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके लिए नियम ये तय है कि सरकार मंदिर के जमीन की कीमत बाजार भाव से 2.5 गुना ज्यादा देगी। जयारमण आगे बताते हैं, मंदिरों की जमीन जायदाद किराए या लीज पर लेने के लिए तमाम नियम बनाए गए हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजना एन के लिए मंदिरों से पैसे ले रही है। जयारमण के मुताबिक, राज्य सरकार हिंदू बंदोबस्ती विभाग का खर्च चलाने के लिए जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इसलिए मंदिर ट्रस्ट खुद ही अपनी सालाना आमदनी पर 7 से 14% के हिसाब से सरकार को टैक्स दे देते हैं। जयारमण इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि हिंदू मंदिर बंदोबस्ती एक्ट 1959 के तहत किसी भी मंदिर का बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं होता था, लेकिन आज राज्य के मंदिरों के हजारों करोड़ रुपए बैंकों में फिक्स डिपॉजिट हैं। ये मुमकिन हुआ सिर्फ सरकार की देखरेख में काम करने की वजह से। ऐसा नहीं कि हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के संचालन में कोई खामी नहीं। जयारमण इनकी तरफ भी इशारा करते हैं। जयारमण बताते हैं, बड़ी खामी यह है कि कई मंदिरों में पिछले एक दशक से ट्रस्टी ही नियुक्त नहीं किए गए। कुछ मंदिरों में अगर नियुक्त भी किए गए हैं, तो उनमें सिर्फ एक ही ट्रस्टी है, जिन्हें थक्कर कहा जाता है। ये गलत है। अगर मंदिर में पूरी संख्या के साथ ट्रस्टी बोर्ड बना दिया जाए, तो इतने सारे गलत आरोप लगने बंद हो जाएंगे। सरकार को यह फौरन करना चाहिए। जयारमण ये भी कहते हैं कि मंदिर में किसी ट्रस्टी का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में उसकी जगह नए ट्रस्टी को नियुक्त करने की समय सीमा तय की जानी चाहिए। कई लोगों को यह भी शिकायत रहती है कि जिन मंदिरों में ट्रस्टी नहीं है, उनकी जगह प्रशासन के लोग मंदिरों से जुड़े फैसले लेते हैं। कई जगहों पर यह भी शिकायत मिली है कि बिना ट्रस्टी वाले मंदिर सरकारी अधिकारियों को मंदिर के पैसे से सुविधाएं मुहैया कराते हैं। जयारमण उन आरोपों को भी गलत बताते हैं, जिनमें कहा जाता है कि सरकार हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करती है, लेकिन दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को छोड़ देती है। जयारमण के मुताबिक, मुस्लिम पूजा स्थलों की देखभाल के लिए वक्फ बोर्ड पूरे देश में लंबे समय से काम कर रहा है। इसी तर्ज पर तमिलनाडु में हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग बनाया गया है, जो मंदिरों की देखभाल करती है। इसी तरह की व्यवस्था आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भी की गई है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट पास किया गया था, जिसके जरिए कुछ मंदिरों के प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इस एक्ट को पुजारियों के विरोध के बाद 2021 में वापस ले लिया गया था। इससे पहले 1960 में हिंदू धार्मिक दान आयोग बनाया गया था। इसके चेयरमैन थे आईपी रामास्वामी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया था कि मंदिरों की बेहतर देखभाल के लिए सरकार की निगरानी जरूरी है। आज की तारीख में हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के तहत 38,635 हिंदू धार्मिक संस्थान आते हैं, जिनमें 36,595 हिंदू मंदिर हैं। इसके तहत 17 जैन मंदिरों को भी नियंत्रित किया जाता है। हालांकि तमिलनाडु में अब भी हजारों ऐसे मंदिर हैं जो हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती विभाग की निगरानी से बाहर हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे मंदिर भी अपने सालाना खर्चों का ब्यौरा बंदोबस्ती विभाग को देकर अपनी जवाबदेही बहाल रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कह तो दिया कि तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण की वजह से मंदिरों की हालत यहां बेहद खराब है,
लेकिन तमिलनाडु के हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री शेखर बाबू इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। बीबीसी से शेखर बाबू ने कहा, बीजेपी शासित कई राज्यों में हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। हमारी सरकार ने ना तो किसी मंदिर के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया और ना ही हम इनके खजाने का इस्तेमाल करते हैं। राज्य में सभी मंदिरों का प्रबंधन बंदोबस्ती विभाग के जरिए बेहतर तरीके से किया जा रहा है। शेखर बाबू ने मंदिरों को लेकर पीएम मोदी के आरोपों की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, आखिर 9 साल से राज कर रहे पीएम मोदी को अचानक ही तमिलनाडु के मंदिरों की याद कैसे आ गई? अगर कोई समस्या उन्हें दिखती है तो साफ साफ बतानी चाहिए, हमारी सरकार उसका निदान करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।